भारत की ये ट्रेन बिना ड्राइवर के काफी समय तक चलती रही। अब ये कोई टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि एक हादसा है। हुआ कुछ ऐसा था कि भारत की राजधानी एक्सप्रेस यात्रियों के साथ यात्रा कर रही थी, तभी ट्रेन के ड्राइवर को ट्रेन के अंदर कुछ खराबी नजर आई, इसलिए उन्होंने ट्रेन को रत्नागिरी स्टेशन पर रोक करके टेक्नीशियंस के साथ ट्रेन की जाँच करने के लिए नीचे उतर गए और उन्होंने सिर्फ एक बात की भूल कर दी कि उन्होंने ट्रेन को एक ढलान वाली जगह पर लगा दिया। इसलिए जब वो नीचे उतरे और ट्रेन की बोगी की जांच करते हुए काफी पीछे पहुंच गए, तब ट्रेन अचानक चलने लगी और तब उन्होंने सोचा कि ट्रेन के इंजन तक पहुंच करके इमरजेंसी ब्रेक लगा दिया जाए, लेकिन जब तक ऐसा कर पाते तब तक ट्रेन काफी स्पीड पकड़ चुकी थी और ऐसे में ट्रेन काफी जल्दी आगे बढ़ने लगी। इसलिए उन्होंने तुरंत रेलवे प्रशासन को इस बात की खबर दी। तभी सभी रेलवे अधिकारियों ने अगले रूट को खाली करवा दिया तथा साथ ही सभी रेलवे कर्मचारी बाहर खड़े होकर लोगों को चेन खींचने की सलाह देने लगे। हालांकि ढलान आने के बाद जहां ट्रेन को काफी ऊंचाई पर चढ़ना था वहां पर ट्रेन आके रुक गई और इस कारण से किसी भी प्रकार का हादसा नहीं।